विशिंग यू एवरीवन हैप्पी धनतेरस एज वेल एज हैप्पी छोटी दिवाली। तेरी भाभी राधे राधे, हैप्पी छोटी दिवाली सबको। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अरे मेरा बच्चा, बस 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 बस। दो नए बिस्किट धनतेरस को खरीदे गए। चलो चलो खड़े हो जाओ, मैं जल्दी से फोटो ले रही हूँ। जल्दी जल्दी, हैप्पी छोटी दिवाली। क्या बोल रही है? पढ़ना। आज है धनतेरस, लाड बोल रही है, हैप्पी धनतेरस बोलो। सबको प्रणाम कर दो, माए बुआ को प्रणाम कर दो, जाओ मुंडिया मार दो। वेरी गुड। अरे हैप्पी धनतेरस बेटा। अरे मेरा बच्चा, बस 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 बस। वेरी गुड। तो अभी मैं और मायादी जा रहे हैं मार्केट। सो आज है धनतेरस की सुबह एंड अभी बज रहे हैं 12, तो हम लोग को मार्केट जाना है, कुछ कुछ चीजें खरीदनी है। सो उसी के लिए जाएंगे। मैं आ चुकी हूँ कल रात को घर पे एंड आज है धनतेरस की सुबह, तो हम लोग आज धनतेरस की पूजा वगैरह करेंगे। अभी तो हमको जाना है मार्केटिंग करने के लिए, कुछ कुछ सामान लाना है, बस दो दिन बाद हम कहीं जा रहे हैं, मैं और मेरी मम्मी। मेरा ड्रीम प्लेस था एक, बहुत टाइम से मन था, सो वो एक सरप्राइज है कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। वेरी एक्साइटेड फॉर दैट प्लेस। कल लेके आई थी मैं घर के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ एंड घर पे भी बहुत सारी चीजें तैयार हुई है, तो मैं आगे आगे दिखाऊंगी कि क्या क्या था। वैसे मिठाई तो ये रही, और मेरे से थोड़ी लीक हो गई थी, एक रसगुल्ला का पैकेट जो था पूरा फूट गया, तो बस घर में एंट्री की और सब निकल गया। सो ये एक थैला भर के इसमें मिठाई है। सो अभी हम निकल चुके हैं बाहर। लाडो बहुत रो रही है, उसको हम छोड़ के आए, आवाज़ यहाँ तक आ रही है, बिकॉज उसको भी मन था कि हमारे साथ जाए, बट उसको लेके अगर हम मार्केट गए तो बिल्कुल भी हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सो उसके लिए जा रहे हैं। बाय द वे अभी हम जा रहे हैं अनुदी के घर पे, अनुदी के घर पे कुछ मिठाई देनी है, सो उनके घर पे देख के एंड उनको मायादी उनका बर्थडे गिफ्ट देने वाली है। मायादी ने एक्चुअली बर्थडे गिफ्ट मेरे को भी कुछ दिया था, वो वाली क्लिप मैं ऐड कर दूंगी। सो वॉच दी थी मेरे को, स्मार्ट वॉच मेरे बर्थडे के लिए। वो ब्लॉग मैंने बनाया था बट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। वही सेम वॉच अनुदी के लिए भी बर्थडे के लिए ऑर्डर किया था, तो वो वाला दिया नहीं था उनके बर्थडे पे। सो आज वो जा रही है देने के लिए। हम मिलते हैं सीधा अनुदी के घर पे। दी हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली। सो हम पहुंच गए अनुदी के घर पे। ये रही ज्योति दीदी। ज्योति दीदी जय श्री कृष्णा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, सॉरी। सो आपके लिए माया दीदी कुछ लेके आई है। माया दीदी जिस मकसद से आए थे वो पूरा कर लीजिए। मैंने और कुछ सोचा था। हाँ, इसने एक्चुअली सोचा था कि आपके साथ प्रैंक करेगी। टाइम नहीं था। तो अच्छा ठीक है। सो ये लो, ये अनु का गिफ्ट। सो ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। इतना बड़ा जो पेट है उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। सो आप खोल के एक बार देख लीजिए अच्छे से, आपको पसंद आया कि नहीं आया। मेरे को एक्चुअली इसका माया दीदी ने दूसरा कलर दिया था एंड दीदी को ये कलर चाहिए था। सो ये है दीदी का वॉच, ये निकल गई। न्यू वॉच, इस पे ना टेम्पर्ड ग्लास लगवाना है बस। सो ये रही आपकी वॉच, बस उसको साइड से ऑन कर दो, आराम से 7 दिन चल जाएगी ये वॉच। 7 दिन? हाँ, सॉरी वॉच 7 दिन नहीं, वॉच का जो बैटरी है वो 7 दिन 8 दिन चल जाएगा आराम से। ये चल गई वॉच। ना कनेक्ट करना है अपने, मतलब नॉइस फिट ऐप से आप कनेक्ट करके फिर सारा टाइमिंग वाइमिंग सब चेंज कर लेना, और फिर आप रेडी टू यूज हो जाएगा वॉच। ये देखो मोटी दी का। सो चलो दी, मिलते हैं कभी और, अभी हम जाते हैं, हमको काम है। सो चल, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। अब हम पहुंच गए मार्केट में। मार्केट में हमको जाना है मॉल में, मॉल से कुछ कुछ चीज़ें घर की खरीदनी है। आज धनतेरस के लिए बहुत भीड़ है सब जगह पे, ऐसे सोने की दुकान में। हर धनतेरस को हम एक झाड़ू खरीदते हैं नया,
उसकी पूजा करते हैं, तो वही साल में हम वही झाड़ू को यूज़ करते हैं। सो दैट्स अ स्पेशलिटी ऑफ आर धनतेरस, कि हम झाड़ू खरीदते हैं लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी मतलब झाड़ू को लक्ष्मी जी माना जाता है, इसलिए हम कभी पैर लगता है तो ऐसे सर पे लगाते हैं, बिकॉज इट इज इक्वल टू लक्ष्मी जी। सो ये खरीदेंगे एक तो हम झाड़ू। दी मेरे को ये दिलाएगी के, प्लीज दिला दे यार, ज्यादा पैसा नहीं है, 550 का ही है। चल दे यार मेरे को कोई ये गिफ्ट करा दो, मैं खाऊंगी नहीं बट मुझे ये लेने का बड़ा मन कर रहा है, बड़ा टेस्टी दिख रहा है, एक पीस खाना है बस मुझे। दिला दे ये खाऊंगी, ठीक है। वेस्ट नहीं करना चाहिए, 100 रुपए में कितना सारा सामान आता है। क्या आता है 100 में? 100 में बहुत सारा सामान आता है, जैसे कि 100 में एक ही चीज आएगा भाई, आजकल का जमाना गया। सूजी। अच्छा 100 में आएगा। हाँ। हमारे घर के आबादी देखी है ना, जो तो खा के हम लोग इतने कम में हो जाएगा हम सबका, इन घर में ही आज 6-7 लोग हैं हम लोग, 100 रुपए में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। 1 किलो मैदा। हाँ फिर कितने टाइम का खाना, किलो सूजी। कितने टाइम का होगा खाना, 1 किलो आटा। बस बहन बस शांति। अब हम करवाने वाले हैं बिलिंग, तो हमारे पास आ गई है लाडे दीदी, भैया आया है एक्चुअली पेमेंट करने के लिए, तो ये भी आ गई भैया के साथ, रो रही थी बेचारी। चाहिए नहीं चाहिए, सब चाहिए थे। कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स बच्चे नहीं पीते। फ्रूटी चाहिए, फ्रूटी यहाँ पे नहीं है बिट्टू। भैया कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए बेटी को, ये दे दो, सब दे दो, ये सारी चीजें तो लाडो को दिखानी नहीं। नहीं नहीं पापा को बोल। क्या चाहिए लाडो को? चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट चाहिए? और क्या चाहिए? मेरा दिमाग खराब कर दिया। इधर चलो, उधर चलो, इधर चलो, उधर चलो। वो देखो मैगी, मैगी है। मैगी है, देखो पाउडर, सब कुछ है यहाँ पे बेटा। ये हो गई हमारी घर की शॉपिंग, घर पे सारा सामान रख दिया, फिर से हम जा रहे हैं मार्केट लाडो का इयररिंग्स बनाने। सो अभी हम जाएंगे मार्केट में, एक्चुअली लाडो का इयररिंग्स चेंज करवाना था, सोने का पहनाना था आज धनतेरस पे, बट बहुत भीड़ है मार्केट में और ये रोएगी, सो आई डोंट थिंक कि आज पॉसिबल हो पाएगा, या तो कल लेके जाएंगे, बस आज कॉइन लेके आएंगे, वो पापा ले आएंगे। हमको मिल गई है श्रुति दीदी। श्रुति व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज इट इज, हम लोग मार्केट में कोइंसिडेंटली मिल गए। मेरे को इसे कैसे याद रखी है? यही याद रखेगी तेरे को, तू याद नहीं रखती। डेरी मिल्क खाई, बहुत जोर से भूख लग गई थी तो अभी ये खा रहे हैं। और उधर देखो श्रुति अपने घर के लिए लाइट्स ले रही है, एंड मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ अपना पेरिस। उसको ऑफर किया था बट उसने मना कर दिया, कोई बात नहीं श्रुति याद रहेगा तूने मुझे मना किया था। निकले थे 11:30 बजे एंड उसके बाद से सारा चीज़ खरीद रहे हैं, सामान खरीदते खरीदते अभी 3:30 बज गए हैं एंड अब हम घर जाएंगे। शायद हमको पार्लर जाना है अपर लिप्स वगैरह करवाने के लिए, सारी शॉपिंग कर ली है। एक्चुअली कहीं जाना है सो वहाँ पे मामा जी लोग हैं, इन सबके लिए कुछ कपड़े खरीदने थे तो वही हम खरीद रहे थे। ये करते करते अब थक चुकी हूँ मैं तो बहुत जोर से भूख लगी है, घर जाके बस खाना खाना है। इट्स लाइक कि जब मैं कॉलेज में भी रहती थी तब भी 3:30 बज जाता था खाते खाते, एंड सेम आज वही हो रहा है, बहुत हालत टाइट हो गई है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। कितनी अच्छी लग रही है नानी, झड़ मस्त। सो गाइस अभी हमने किया है अपर लिप्स और आईब्रो, मतलब खाली अपर लिप्स करवाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेड हो गया है। सो हम रेडी हो चुके हैं दिवाली के लिए एकदम अच्छे से, और बाहर जाने के लिए भी, कस हम कहीं घूमने जा रहे हैं। सबसे मस्त तो माया दी लग रही है भाई, एकदम जच रही है, एकदम जच रही हो। अब हम चल के जा रहे हैं और अभी शायद 4 बज गई है, और सुबह से भाई मैंने कुछ नहीं खाया है, बस एक पेटिस खाई है, कभी भूख लगे तो घर जाके खाना खाएंगे पहले। ये आ गए हमारे भैया, बहुत थक गए भैया, आप आ गए पूरे भगवान जैसे हमको लेने के लिए, घर ले चलो। आज मेरे भैया बड़े हैंडसम लग रहे हैं। नहीं हाँ भैया, भैया बहुत पुराना टाइम याद आ रहा है भाई तो। सब मम्मी अभी झूड़ा कर रही है, घर में बहुत सारे मच्छर हो गए, सो ये करना चाहिए ना।
वैसे अभी बच चुके हैं, शाम के 6 बजने वाले हैं बस थोड़ी देर में, एंड पूजा वगैरह हम करेंगे। बापरे रूम में बहुत धुआं हो गया। सो मम्मी अभी राजस्थान गई हुई थी तो मम्मी लेके आई नई साड़ी। ये है मम्मी की, ये भाभी की है, ये मम्मी की है नई साड़ी। ये लोग दिवाली की, भाभी की, जिसको जो पसंद है। सो दिवाली की है नई साड़ी। ये आपकी कब पहनोगे, आज की कल? कल आज ही पहनोगे? ओके के कल आज। अरे हाँ, भाभी को तो हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। भाभी हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस आज के, राधे राधे। भाभी आज बहुत बिजी थी भाई, न्यू साड़ी। चलो धनतेरस पे भाभी नई पूरी रंग बिरंगी बनेगी, अच्छे लोगों के बस अभी जाओ चुटकी में तैयार होके आ जाओ। तब तक मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने शॉपिंग क्या क्या की थी दिवाली के लिए। सो 3 बेडशीट्स ली थी हमने डेली वेयर वाली, और ये मेरे पापा लेके आए थे दिवाली के लिए, ऐसे ही सुंदर सा था। इसकी प्राइस क्या थी? 100 रुपया में। ये 100 रुपीज में लेके आए थे, बड़ी सुंदर है। कोलकाता से ना? नहीं नहीं, तो हम एक जगह गए। अच्छा, हाँ मम्मी और पापा एक जगह गए थे तो वहाँ से लेके आए, बहुत सुंदर है। गया जी से लेके। अभी मैं आपको एक एक करके चीजें दिखाऊंगी कि हम लोगों ने एक्चुअली दिवाली की शॉपिंग वगैरह क्या क्या की। तो सबसे पहले दिखा रही हूँ ये। सो ये है गणेश जी का पूरा पोस्टर, इसकी हम पूजा करते हैं दिवाली के दिन। नेक्स्ट कल हमारी दिवाली है तो कल ये सब चीज़ यूज होएगी। और ये है सारे पूजा की सामग्री वगैरह जो हमको चाहिए होएगी कल। एंड यहाँ पे भी उनकी फोटो है। एंड देन हमारे पास आती है ये सारे रूम के लिए वंदर माला लेके आए पापा, तो सबके रूम के बाहर में ये हम लगवाने वाले हैं। देन हमारे आते हैं, हम हर साल ऐसे पैर वगैरह जो है सबके रूम के बाहर में लगाते हैं, गणेश जी के, लक्ष्मी जी के, ऐसे सुंदर सुंदर। सो ये भी लगाने वाला है। एंड देन और स्टिकर्स भी होता है, ये ट्रेडिशन मैं जब से छोटी सी थी तब से देखे आ रही हूँ कि ये जो पैर होता है ये भी हम सारे रूम्स के बाहर और घर के बाहर से लगाते हैं। एंड देन शुभ लाभ भी लगाते हैं। मारवाड़ी लोग जो होंगे वो रिलेट कर पाएंगे काफ़ी, बिकॉज वो लोग भी ये सारी बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं। एंड देन रिद्धि सिद्धि ये सब भी। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन आती है ये गणेश जी लक्ष्मी जी की ड्रेसेस, हम नए ड्रेस भी पहनाएंगे कल उनको। सो ये है वो। एंड देन मैं गई थी घूमने के लिए तब मैं ये दिए लेके आई थी, ये वाले मैंने व्लॉग में दिखा दिया है। सो ये मैं रंगोली के पास में रखने वाली हूँ। फिर वंदर माला और एक है हमारे पास में, ये भी हम लगाएंगे, ये थोड़ी उलझ गई है। सो ये वाला वंदर माला भी लगाने वाले हैं। एंड देन हमारे लड्डू गोपाल के ड्रेसेस है। लड्डू गोपाल को ऐसे रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, होली हो, नई ड्रेसेस पहनाते हैं। सो उनके लिए भी मैचिंग मैचिंग है, हमारे 2 लड्डू गोपाल है सो उनके लिए ये है। और इस प्लास्टिक में है सारे के सारे प्रसाद। हम लोग के मारवाड़ी में, राजस्थान में जब टिपिकल मारवाड़ीज होते हैं उनको बोलते हैं मेल मालिया, ऐसा नाम है उसका। सो ऐसे होते हैं मीठे मीठे, ये वाले कल पूजा में यूज होंगे। एंड देन फिर पता है क्या, ऐसे ये डिजाइंस जो होते हैं ये मीठे मीठे पताशा जो बोलते हैं ना वैसे वाले हैं। सो इसके बहुत सारे टाइप के हमारे पास है। एंड देन फिर ये चिक्की बार्स है, ये सारी चीजें। वो और सबसे बेस्ट चीज पता है, लाडो। लाडो आप दिखाओगे क्या? देखो लाडो के लिए पापा लेके आए थे कोलकाता से फटाके, ये जो नहीं होते क्या इसको बोलते हैं लहसुन बम शायद, पॉप सारे ये वाले। सो इसको जमीन पे फोड़ने से फटफट होता है, तो लाडो को ये बहुत पसंद है। तो हम शाम को जाएंगे फोड़ने के लिए, लाडो मस्त फोड़ रही है। सुना ऐसा होता है, और ये मस्त अभी मतलब कल से मैं इसका सुन रही हूँ फट 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 फोड़ रही है, इसको डर भी नहीं लग रहा है। सो दैट्स गुड। सो यही सारी थी शॉपिंग वाली चीजें। हाँ, सो यही सारी चीजें थी शॉपिंग के लिए। सो अभी हम पूजा की तैयारी करते हैं, धनतेरस की शाम की पूजा। एंड देन अभी पहले तो हमको बेडशीट लगानी है वरना मेरी मम्मी और दीदी मेरे को मार देंगे, बिकॉज मेरे वजह से ये हॉल्ट पे था। सो लेट्स गो। सो ये है हमारे रूम की नई बेडशीट, बड़ा ही सुंदर लग रहा है, लाडो गंदा कर रही है बैठ के। सो एनीवेज दिस इज द बेडशीट दैट वी हैड ऑर्डर, एंड रूम में अच्छा दिख रहा है। और एक चीज, मेरे दिवाली की ड्रेस जो मैंने ऑर्डर की थी वो आई नहीं। सो मैंने ये बर्थडे के लिए ऑर्डर की थी, वो बर्थडे के नेक्स्ट डे आई थी। सो वही वाले ड्रेस मैं आज पहन लूंगी, बिकॉज ये नई की नई है एंड मैंने पहनी भी नहीं है। सो दिस विल लुक नाइस। कल देखते हैं कल क्या करना है। गाइस अभी मैं जाती हूँ, जल्दी से रेडी होती हूँ, पूजा के लिए लेट हो रहा है। तो मैं और माया दीदी डिसाइड किए कि हम दोनों एक जैसा ब्लू ब्लू पहनेंगे, वो ब्लू साड़ी पहनेगी अपनी नई, एंड मैं एक ब्लू मेरा वन पीस है वो पहनूंगी। सो लेट्स गेट रेडी। गाइस आई एम रेडी।
मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये वन पीस मैंने बर्थडे के लिए मंगवाई थी बट वो तो पहनी है सभी बिकॉज बर्थडे के नेक्स्ट दिन आई थी। सो आई एम वेडिंग ऑन धनतेरस। धनतेरस की आज हम पूजा करेंगे। एक्चुअली धनतेरस प्लस छोटी दिवाली आज हम कर रहे हैं बिकॉज टाइमिंग मतलब आधा दिन धनतेरस था, मतलब वैसे दो दो दिन हो जाते हैं ना, तो वैसा कुछ था। सो अभी हम करने वाले दोनों पूजा। सो विशिंग यू एवरीवन हैप्पी धनतेरस एज वेल एज हैप्पी छोटी दिवाली। सो या यही तैयारी हो गई है, हम सब कोई रेडी हो चुके हैं तो सबको एक एक करके दिखाऊंगी। बाय द वे मेरी मम्मी ने एकदम मस्त सी चक्की बनाई है बेसन वाली, सो वो मैं दिखाने वाली हूँ। ये रही चक्की, मम्मी ने पूरी मस्त सी घी में पूरी बनाई है बेसन की चक्किया। ये दो प्लेट पूरी बनाई है, बाकी उसमें रख दी है और एक प्लेट थी। सो ये एक बार ठंडी हो रही है इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे मेरी मम्मा रेडी हो गई है। लाडू दीदी, लाडू दीदी से हाय, सुनो हाय बोलो। लाडो की भी न्यू ड्रेस है, लाडो इज ऑल्सो वेरिंग ब्लू ब्लू। हम दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं, साथ में माया दी भी कर रही है एंड मेरी भाभी। एंड ये रही मेरी भाभी, हैप्पी छोटी दिवाली सबको। सो ये रही मेरी भाभी, वो तैयारी कर रही है एक्चुअली दीपक वगैरह की। सो हमारे दिए सब रेडी है, आज हम 11 दिए करने वाले हैं वैसे। सो वही की तैयारी हो रही है। हमारी माया दीदी थोड़ी थोड़ी पीछे जा। हाँ अब बोल। हैप्पी दीपावली सभी को। हैप्पी दिवाली नहीं है, दिवाली कर ले पागल। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली। यस बाय द वे देखो मेरी न्यू रिंग, मैं कैसी लग रही हूँ गाइस। सी एंगेजमेंट रिंग। आई एम फाइनली एंगेज्ड। हो गई है कुछ भी। सो ये मेरा कुछ लुक है, मुझे नहीं पता मैं कैसी दिख रही हूँ बट आई थिंक आई एम लुकिंग फाइन। ठीक है, पता नहीं ये सब मेरे टाइप का नहीं है बट आई एम ट्राइंग टू बी लाइक अच्छा सा। मेरे को कभी कभी मन करता है तो वही। लादू को छोटी बनाओ। नहीं प्लीज बनवा लो। बना लो क्यों? अच्छा चुंदरशा बुआ बना देगी। क्या किया? बलून फोड़ दिया। आजकल लाडो का नया ट्रेंड है, अगर कुछ गलती करती है ऐसे आँख मीच के बैठ जाती है या खड़ी हो जाती है वहीं के वहीं। ये बलून था एक्चुअली पापा लेके आए थे, उसको फुला के रखा था इसने फोड़ दिया और फिर डर के मारे पिछले दो तीन मिनट से ऐसे ही खड़ी थी। और अब हम करने वाले हैं पूजा। ये है हमारे नए कॉइन्स मतलब बिस्किट्स, दो नए बिस्किट्स धनतेरस को खरीदे गए हैं एंड एक ये चांदी का सिक्का है। सो इनकी पूजा करने वाले हैं हम लोग, मम्मी पापा सब बैठ के करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पूजा। सो पूजा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी सबकी। सो सभी बोल दो हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दीपावली। और लाडो दीदी जो एज यूजुअल हर साल टीका लगाती है सभी को, पंडिताई ने हमारी हर पूजा में सबसे आगे ये रहती है। जा दादू को लगा पहले। लो दादू टीका लगाओ। जो है हर रूम में सब जगह पे एक एक दिया रख दे रही है, एक बाथरूम में, एक किचन में, एक एक रूम में, सब जगह से रखे जा रहे हैं। और अभी हम सोच रहे हैं कि हम फोटो खींचेंगे और लाडो बिल्कुल फोटो में नहीं आने वाली है, फैमिली फोटो ले रहे हैं हम लोग। चलो चलो खड़े हो जाओ, मैं जल्दी से फोटो ले रही हूँ, जल्दी जल्दी। सो हमारी पूजा जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है एंड अभी हम लोग थोड़ा गोडाउन में पूजा करना था वो भी कर लिए हैं, घर की भी पूजा कंप्लीट हो गई है। एक्चुअली घर की जो झाड़ू की पूजा है वो मैंने रिकॉर्ड करना भूल गई थी तो मम्मी लोगों ने शायद कर ली होगी। अब घर जाएंगे, घर जाके करने वाले हैं डिनर बिकॉज अभी बज चुके हैं रात के 9। भाई के साथ थोड़ा सा डांस कर ले। आज हम डांस करते हैं। चलो ऐसे पकड़ो हाथ। मेरी तुम्हारी सबके लिए हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। काम देखो ये क्या करती है। यानी और नीचे नीचे आओ इसके ऊपर। चलो अब पापा के साथ डांस करो।
खड़ी होता हूँ पापा को ऐसे पकड़ो गोदी में ले ले भाई गोदी में गिर गई I love you. क्या करना है लाडू ये बहुत डरावना है फोड़ना मत से पहले हम स्टार्ट करेंगे छोटी चीज से लाडू को पकड़ाएंगे लाडू देखो 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 हैप्पी दिवाली अनार रख दिया लाडू 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 हाँ नहीं फूटेगा नहीं वो हैप्पी छोटी दिवाली भाई बम नहीं फूटे आकिता में बम फूटे तंटा है अब फोड़ेगा भाई ये बम मेरे को तो भाई इससे डर लगता है भैया ही फोड़ेगा हम दूर हो जाते हैं शक्ल ही डर लगे भगवान रो नाम ले रही ना आज भाई ने हो गया वो अपने आप ही निकल गया उसका ऊपर मन बम बम रो बॉर्डर लग गया है ना मम्मी मन भी डर लग गया खत्म बस यही हो गया हैप्पी दिवाली लाडू मजा आ रहा है पटाखे फोड़ेंगे वो बम जो था वो फुस हो गया है अच्छे से नहीं पता नहीं अब हम रिस्क नहीं लेंगे हम कल देखेंगे क्या होएगा कल अच्छे से पटाखे फोड़ेंगे आज छोटी दिवाली थी तो छोटे से ही थोड़े से ही पटाखे फोड़े कल मिलेंगे अभी जाते हैं खाना खाते हैं आज नॉर्मल सी पूरी सब्जी वगैरह बनी है कल हमारे घर पे मस्ती चीजें बनेगी आज का ब्लॉग यहीं पे था मिलते हैं कल के ब्लॉग में तब तक के लिए बाय और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना टाटा।